अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई भी काम हो तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक अगले महीने यानी जनवरी में बैंक करीब 16 दिन बंद रहने वाला है। इन 16 दिनों में राज्यों में होने वाली अलग अलग छुट्टियां भी शामिल है। इस दौरान बैंक ग्राहकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यदि आपका बैंक से जुड़ा कोई भी काम हो तो आप उसे जल्द से जल्द निपटा लीजिए। हम आपको बताते हैं कि किस किस दिन आपके बैंक की छुट्टी होने वाली है। 1 जनवरी को एजवल चेन्नई इंफाल गैंगटॉक शिलोंग में न्यू ईयर को लेकर छुट्टी रहेगी। वहीं 2 जनवरी को एजवल और चंडीगढ़ में गुरु गोविंद सिंह की जयंती होने पर छुट्टियां रहेंगी। 5 जनवरी 2020 को सभी राज्यों में संडे की छुट्टी रहेगी। वहीं 7 जनवरी 2020 को इंफाल में इमो इनु इरप्पा के चलते छुट्टी रहेगी। 8 जनवरी को भी इंफाल में गान लगाई के चलते छुट्टी रहेगी। 11 जनवरी को सभी राज्यों में सेकंड सैटरडे होने की वजह से सारे बैंक बंद रहेंगे। 12 जनवरी को संडे होने की वजह से बैंकों की छुट्टी रहेगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होने की वजह से अहमदाबाद में छुट्टी रहेगी। वहीं 15 जनवरी को बंगलुरु चेन्नई हैदराबाद गुवाहाटी में मकर संक्रांति और पोंगल की छुट्टी रहेगी। 16 जनवरी 2020 में चेन्नई में तिरुवुल्लर डे के चलते छुट्टी रहेगी। 17 जनवरी को भी उझावर तिरुनल के चलते चेन्नई में छुट्टी रखी गई है। वहीं 19 जनवरी को सभी राज्यों में रविवार होने के चलते बैंक बंद रहेंगे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, जिसके चलते अगरतला और कोलकाता में छुट्टी रहेगी। 25 जनवरी को फोर्थ सैटरडे होने के चलते सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और वो रविवार को भी है, इसी के चलते सभी राज्यों में छुट्टी रहेगी। वहीं 30 जनवरी को सरस्वती पूजा और वसंत पंचमी के चलते अगरतला, भुवनेश्वर और कोलकाता में बैंकों की छुट्टी रहेगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।